नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल। मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है कौन प्लेयर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर, लाइक एंड कमेंट इफ यू लाइक द वीडियो। सो फोक्स, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही अमेजिंग और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। बहुत लोगों ने मुझे पूछा है कि जब मैं प्ले करता हूँ तो मेरे दिमाग में क्या चलता है, व्हाट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस आई प्ले विद, व्हेन आई कंस्ट्रक्ट बीट व्हाट डू आई डू। सो आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की, जो कौन की है कि अगर एक म्यूजिक चल रहा है अब उसके अंदर क्या क्या करते हैं जिसकी वजह से ये बीट जो है वो अच्छी साउंड करती है। तो मैं आपके साथ एक ही टाइप का म्यूज़िक तीन बार प्ले करने के या चार बार प्ले करके दिखाऊंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि पहली बार आई विल प्ले बेसिक एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली आई विल इनकॉर्पोरेट व्हाट एग्जैक्टली इज कॉल्ड डायनामिक्स, जो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, बट और क्या थॉट प्रोसेस है जो इसके अंदर जाता है जिसकी वजह से बीट अच्छी साउंड करती है। तो लेट्स नॉट वेट, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स लिसन टू द म्यूज़िक एंड द प्लेइंग। सो फोक्स, आपने ये बीट सुनी, आपने देखा कि मैंने इसके अंदर ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करा है, बहुत बेसिक सी बीट है। अब इसी बीट को जो कि मैंने बजाई थी, अब इसी बीट को देखते हैं अगर मेरे को इलैबोरेट करना है तो मैं इसके साथ क्या करता हूँ जिससे ये बीट थोड़ी सी इलैबोरेट होगी सेम म्यूज़िक पे एक बार फिर। सो फोक्स, जैसे कि आपने नोटिस किया होगा इस वाली बीट पे मैंने जो कंटिन्यूटी है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमको कंजेकेटिव हिट्स डालने हैं, सिर्फ वो इनकॉर्पोरेट किया है, बाकी सब कुछ एब्सोल्युटली सेम है। अब तीसरे सेक्शन के अंदर मैं आपको एक फ्री फॉर्मेट में प्ले करके दिखाऊंगा, जिसमें मैं आपको पहले बताता हूँ मैं क्या क्या ऐड करूँगा। मैं उसके अंदर सेम बीट ऐड करूँगा, बीट के स्ट्रक्चर्स को हल्का सा चेंज करूँगा बाय एडिंग सम डायनामिक्स अप एंड डाउन। उसके अलावा मैं बीट्स को इन्वर्ट करूँगा, मैं बेस को बाद में प्ले कर पहले स्नेर को प्ले करूँगा कई जगह पर, मैं बीट के कॉन्स्ट्रक्ट को अलट पलट करूँगा और फिर एक फील में प्ले करने की कोशिश करूँगा कि मैं रिदम जो चल रही है उसके साथ क्या क्या जस्टिस कर सकता हूँ। मेजर होता है बेस, जो बेस चल रही है इस गाने के अंदर बेस के साथ कैसे मैं लॉक कर सकता हूँ, और कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे लिरिकल प्ले करूँगा। तो ये चार पांच चीज़ें जब कंबाइन होंगी तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये कैसा साउंड करेगा, और इस तक पहुँचने के लिए हमको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और म्यूज़िक को भी ऑब्वियसली सुन के समझने की ज़रूरत है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। सुनते हैं फिर बात करेंगे थोड़ी सी कि इसमें क्या 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 हमने किया है ताकि आपको भी वो चीज़ें समझ आ सकें। सो फोक्स, जैसे कि आपने अभी सुना, ये तीन अलग अलग सेक्शंस हैं, तीन अलग अलग बीट्स हैं जो मैंने ऑलमोस्ट अलग अलग तरीके से प्ले किए हैं, बिकॉज उसमें सिर्फ थॉट प्रोसेस का फ़र्क था। पहला जो था सेक्शन, उसके अंदर मैंने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ प्योर
सिंपल बीट प्ले करी थी, उसके अंदर मैंने डायनामिक्स कुछ नहीं डाले थे, कंटिन्यूटी नहीं डाली थी। जो सेकंड सेक्शन है उसके अंदर मैंने कंसेक्यूटिव हिट्स को इनकॉर्पोरेट किया और थोड़ा सा रोल्स को इनकॉर्पोरेट किया। और जो थर्ड वाली थी इसके अंदर मैं एक फ्री फॉर्मेट में प्ले कर रहा था, जिसमें कि मैं क्या बरकरार रख रहा था, कंटिन्यूटी, कि टेम्पो सेम रहे, कंटिन्यूटी सेम रहे, हिट्स सेम रहें, और वो कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, कहीं पर इन्वर्टेड आए, कहीं पर स्ट्रेट आए। थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि हम म्यूज़िक को कैसे अच्छा साउंड करा सकते हैं, ना कि उसको ओवर पावर करना है ज़्यादा स्ट्रोक्स डाल के ज़बरदस्ती के कहन पे। हमें कहन को और म्यूज़िक को कॉम्प्लीमेंट कराना है, ना कि हमने कहन और म्यूज़िक को अलग अलग फील कराना है। सो ये हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ये एक ट्यूटोरियल कह लीजिए या ये कह लीजिए कि मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक ही बीट के अंदर बहुत कुछ इनकॉर्पोरेट कर कर आप उसको अच्छा साउंड करा सकते हैं, और वहीं पे आप अच्छी बीट में से कुछ चीज़ें निकाल कर उसको और सुंदर बना सकते हैं। पर डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको वो बीट हैवी रखना है या आपको बीट लाइट रखना है, आपको म्यूज़िक के साथ कॉम्प्लीमेंट कराना है या नहीं कराना है। सो अल्टीमेटली थॉट प्रोसेस ये रहना चाहिए कि हमारी बीट कैसे कॉम्प्लीमेंट करी जा सकती है, और थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए हमें जब हम फ्री फॉर्मेट में प्ले कर रहे हैं कि हम एक्सपेरिमेंट कर सकें। तो मेरा रिकमेंड यह है कि यही वाली बीट को या रिदम को प्ले करें वापस से, अगर आपके पास यूट्यूब पे अवेलेबल है। ऑब्वियसली मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप ये सेम बीट को रिकॉर्ड करके आप मेरे को भेज सकते हैं, उससे मैं आपको बता पाऊंगा कि उसके अंदर आप और क्या अच्छा कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको ये और ज़्यादा अच्छे से प्ले करने को मिल सकती है। सो फोक्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ फील फ्री टू राइट इनटू आवर कमेंट सेक्शन। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, राइट एंड कमेंट तो मैंने आपको बोला, ये करके बताइए और आपको क्या चाहिए वो भी बताइए ज़रूर। आई थिंक दैट्स प्रीटी मच फॉर द डे। सो फोक्स, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पोरिंग इन योर लव। आई नो द चैनल इज़ ग्रोइंग, आई एम कमिंग अप विद लेस वीडियोज फॉर नंबर ऑफ रीजन्स, बट ठीक है, जितने सेशंस में लेकर आ पाता हूँ उतने लेकर आता हूँ। हमारी क्लासेस अभी ऑलरेडी चल रही हैं, सो यू आर मोर देन वेलकम टू जॉइन अस। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड आई होप दैट यू ऑल स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी। गॉड ब्लेस यू।